मित्रों ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्किल में आपकी रैंक आखिर क्यों रुक जाती है आते आते दोस्तों, क्योंकि आप लोग कप्तान कप्तान को कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज हम स्पेशल रूप से दोस्तों हम आए हैं आप लोगों को समझाने कि कप्तान कप्तान का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से करना है। हम आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बताएंगे, बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से बताने वाले हैं कि दोस्तों कप्तान कप्तान का जो कॉम्बिनेशन है हमें किस प्रकार बना करके चलना और 100% दोस्तों आपको सफलता मिलने वाली। अगर दोस्तों आप पर आपको भगवान पर भरोसा हो तो दोस्तों इस वीडियो को देखना, अन्यथा दोस्तों वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय, जय बालाजी सरकार की जय। चलते दोस्तों आपको जानकारी देते हैं दोस्तों आप गलती कहां पर करते हैं और आपकी रैंक आते आते रुक जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहां पर ड्रीम इलेवन ऐप पर दोस्तों चलते हैं और पूरी जानकारी आपको दोस्तों तसल्ली पूर्वक देने वाले। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों जो आज मैच का है दोस्तों आधार बना करके कि मुंबई वर्सेस पंजाब का दोस्तों आज मैच होने वाला है, मुंबई वर्सेस पंजाब का मैच होने वाला है जो शाम 7:30 बजे खेला जाना है। अब बात आती है दोस्तों यहां पर हमें कप्तान और कप्तान किस प्रकार कॉम्बिनेशन करना है यही जानकारी देंगे, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में दोस्तों आप लोगों के साथ गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि वहां दोस्तों क्या बताया जा रहा है, वहां पर दोस्तों प्रेडिक्शन का वीडियो दिया जा रहा है और केवल दोस्तों टीम आपको बनवाई जा रही है। आप चाहे जितनी यूनिक टीम बना ले और चाहे जितनी परफेक्ट टीम बना ले दोस्तों, परंतु अगर दोस्तों ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्किल में कप्तान और कप्तान का कॉम्बिनेशन नहीं समझा तो दोस्तों आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम दोस्तों आपके लिए दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आपको बताएंगे किन खिलाड़ियों का दोस्तों कप्तान कप्तान का बनने का योग बन रहा है, किस खिलाड़ी की स्टार चमक रहे हैं और किस खिलाड़ी को आपको बनाना है। आखिर दोस्तों 2024 IPL में दोस्तों कौन कौन खिलाड़ी ऐसे जो कप्तान कप्तान बनते नजर आते हैं। तो आओ चलते हैं पहले पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं आपको, और दोस्तों हमारे खिलाड़ी विशेषतर दोस्तों ड्रीम इलेवन में कप्तान कप्तान बनते दिखाई देते हैं। दोस्तों पिछला रिकॉर्ड पिछले मैच को आधार बना करके GT वर्सेस DC के बीच में आपने कल मुकाबला देखा होगा। यहां पर दोस्तों हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं, वो भी ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आप लोगों को हम बताते हैं। अगर ईश्वर पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं मिलता, हमारी और आपकी क्या औकात है। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत है दोस्तों, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत है दोस्तों आए हैं। दोस्तों यहां पर कप्तान कौन कौन बना था, मुकेश कुमार दोस्तों कल के मैच में दोस्तों कप्तान बने थे, आप लोगों ने देखा होगा और दोस्तों हमने भी देखा किसने कौन बने थे, मुकेश कुमार। और दोस्तों मुकेश कुमार के बारे में बात करें तो इनका सिलेक्शन परसेंट कप्तान की तौर पर बहुत ही कम था, 0.18 था, 0.18% लोग केवल उन्हें कप्तान बना रहे। राशिद खान का तो थोड़ा सा ज्यादा था, राशिद खान का थोड़ा परसेंटेज दोस्तों ज्यादा था, उसको भी हम आपको बताते हैं। राशिद खान का दोस्तों जो वाइस कैप्टन बनकर के आए, तो राशिद खान का सिलेक्शन परसेंट वाइस कैप्टन में 6.03 था, 6.03 था। तो दोस्तों इस प्रकार के खिलाड़ी कप्तान कप्तान बन रहे। और टीम की बात कर लेते तो चलते देखिएगा यहां पर कितने लोग दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से आते हैं। आपके पास दोस्तों 22 खिलाड़ी होते हैं और 22 खिलाड़ी में आपको 11 सदस्यीय टीम बनानी होती है, जिसमें 8 से 9 खिलाड़ी दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट होते हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंट 70 के प्लस होता है। और आप सभी खिलाड़ियों को लेकर के जाते हैं और दिमाग लगाते हैं कि आज हमने बहुत ही यूनिक टीम बनाई, आज हमने बहुत ही परफेक्ट टीम बनाई है, आज हम ग्रैंड लीग विन कर जाएंगे। 100% दोस्तों आप वहीं से दोस्तों हार आपकी शुरुआत होती है। दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोगों को समझना है, आप लोगों को देखना है, पिछली टीम को उठाकर देखिएगा दोस्तों, और भी हम आपको समझाने वाले हैं। यहां पर देखिएगा हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट का खिलाड़ी केवल कौन है, ऋषभ पंत। यहां पर दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट का कौन खिलाड़ी है, अक्षर पटेल है। दोस्तों यहां पर हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट का कौन खिलाड़ी है, कोई है दोस्तों आप लोगों के सामने, कोई दिखाई दे रहा, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहां दोस्तों राशिद खान थे जिसका सिलेक्शन परसेंट 86% था, आई शर्मा का भी कम, ऐश्वर्या का, खलील अहमद का भी दोस्तों बहुत ही अच्छा नहीं था, खलील अहमद का भी बहुत अच्छा नहीं। तो 3 खिलाड़ी दोस्तों ऐसे हैं जो हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन से DT पर आए, और आप लोग पूरे 8 से 9 खिलाड़ियों को लेकर के जाते हैं और दोस्तों आप दिमाग लगाते हैं। और भी दोस्तों एक ही टीम से आप लोग संतुष्ट मत होइएगा, और भी रिकॉर्ड देखिएगा दोस्तों, कल का मैच नहीं उसके आगे वाला मैच दिखाते हैं दोस्तों, आगे वाला मैच दिखा लेते हैं दोस्तों, यहां की ड्रीम टीम देखते हैं। कोई भी ड्रीम टीम उठा करके देख लीजिएगा दोस्तों, कोई भी ड्रीम टीम उठा कर देख लीजिएगा,
यहां पर दोस्तों, यहां पर जॉस बटलर आए हैं, वाइस कैप्टन बने कप्तान सुनील नारायण, हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी थे सुनील नारायण। तो दोस्तों आईपीएल 2024 में जो मैच हुए उनमें ज्यादातर देखा गया कि जो हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन का खिलाड़ी है दोस्तों वो कप्तान बनता नजर आता है, और वाइस कैप्टन में दोस्तों क्या होता है वो लोवेस्ट नहीं योरेस्ट सिलेक्शन पर्सन या लोवेस्ट सिलेक्शन पर्सन का खिलाड़ी वाइस कैप्टन बनता दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों आपको किसको बनाना है, कप्तान को, कप्तान। यहां पर देखिएगा हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के कितने खिलाड़ी थे, आप लोगों को दिखा दें। यहां पर हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के दोस्तों सुनील नारायण के, जिनका दोस्तों सिलेक्शन पर्सन दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे, जिनका सिलेक्शन पर्सन बहुत ही लाजवाब था, 90 प्लस था, और बहुत सारे लोग इन्हें कप्तान कप्तान बना भी रहे थे, और दोस्तों हमने भी बनाया और लाखों रुपए हमने भी विन किया दोस्तों इनको कप्तान बना करके, और जॉस बटलर को वाइस कैप्टन बना करके दोस्तों हमने आपको प्रूफ भी टेलीग्राम चैनल पर दिया, आप लोग जाकर के वहां भी प्रूफ देख सकते हैं। हमने भी दोस्तों इनके कप्तान और वाइस कैप्टन जॉस बटलर को बना करके यहां रियान पराग थे हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों वी चक्रवर्ती चराना की ट्रेड बोल्ट, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ट्रेड बोल्ट दोस्तों, केवल 2 से 3 खिलाड़ी दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन थे, और आप लोग गलती करते हैं, एक यूनिक टीम बनाने पर आप लोग गलती करते हैं और आपको खामियाजा भुगतना पड़ता। आप लोग पिछले टीम में देखिएगा, एक टीम से आपको नहीं पता चलेगा दोस्तों, एक टीम से आपको नहीं पता चलेगा, एक और टीम देख लेते, उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और किस प्रकार से दोस्तों ड्रीम टीम पर जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं 100% उनको सफलता क्यों मिल जाती है। यहां पर और देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों मैच है, देखिएगा दोस्तों लाजवाब तरीके से, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा दिनेश कार्तिक कितने हाई सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी हैं, इनको देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, इनको देखेंगे तभी दोस्तों आपको पता चलेगा दोस्तों क्या होने वाला है दोस्तों, कहां पर क्या है दोस्तों, आप लोगों को देखना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से, यहां पर दिनेश कार्तिक है, आप लोग जानते होंगे ये योरेस्ट सिलेक्शन पर्सन के, हेनरिक क्लासेन हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी थे, हेनरिक क्लासेन हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी थे, ट्रेविस हेड दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी थे, और दोस्तों यहां पर 5 डुप्लेसिस हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी थे, विराट कोहली दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी थे, और दोस्तों हम बताते हैं यहां पर ए मार्कम दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी थे। हमारे पास दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी कितने मिले, 5 हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ी थे जो ड्यूटी पर आए। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमने 3 टीमों का हमने एनालिसिस आपको करवाया, तो दोस्तों अधिकतम हमने क्या पाया कि 2 टीमों में दोस्तों 3-3 खिलाड़ी, 1 टीम में 5, अर्थात 3 टीमों को अगर 7 मिला देते हैं तो दोस्तों 11 खिलाड़ी निकल के आते हैं जो हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के होते हैं, और 3 टीमों में 11, तो आपके पास क्या रेशियो आया कि अधिकतम 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्तों डीटी पर हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन से आते हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरी ध्यान लगा करके वीडियो को एकाग्रचित होकर के देखेंगे, आज 100% दोस्तों आपको सफलता मिलने वाली है। अब दोस्तों यहां पर मुंबई वर्सेस दोस्तों यहां पंजाब का मुकाबला है, और दोस्तों ये मुकाबला बहुत ही लाजवाब है, आप लोग जानते हो दोनों ही टीम ठीक ठाक है, दोनों ही टीमों ने 6-6 मैच खेले और 2-2 मैच विन किए हैं, ये दोस्तों हकीकत है दोनों ही टीमों की, और मैच भी बहुत ही लाजवाब होने वाला है दोस्तों, बहुत दो है ये दोस्तों, मैच बहुत ही लाजवाब होने वाला है दोस्तों, मुंबई वर्सेज दोस्तों यहां पर होने वाला है, पंजाब के भी 2 मैच मुकाबला होने वाला है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। लाजवाब क्यों होने वाला है कि दोस्तों ये दोस्तों मैच होने वाला है मोहाली, मुल्लनपुर मोहाली क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पिच बैटिंग के लिए अनुकूल है और बेहतरीन पेसर्स के लिए मददगार है। अब दोस्तों यहां पर रिकॉर्ड देखते हैं, और दोस्तों यहां पर हम आपको बताते हैं किस प्रकार से दोस्तों आपको कप्तान कप्तान का दोस्तों कॉम्बिनेशन बना करके चलना है। तो दोस्तों हमने आपको आपके पास दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के कितने खिलाड़ी हैं दोस्तों, यहां पर देखिए ईशान किशन है, उसके बाद दोस्तों यहां पर दोस्तों यहां पर ईशान किशन के बाद दोस्तों बैट्समैन में हम जा रहे हैं तो रोहित शर्मा है दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा के बाद कोई दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन का खिलाड़ी नहीं है जो 70+ दोस्तों योगदान दे रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन पर जा रहे हैं हार्दिक पांड्या है, शेम करन है, और दोस्तों कोई नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जाते हैं मात्र बुमराह है, और दोस्तों तकरीबन दोस्तों यहां पर अर्शदीप सिंह आ रहे हैं, हार्दिक रवाड़ा आ रहे हैं, तो दोस्तों हमारे पास 7 है, पर क्या इन 7 खिलाड़ियों को लेकर के हम जा सकते हैं और ग्रैंड लीग
विन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता दोस्तों, आप लोगों को इन सातों खिलाड़ी लेकर के ग्रैंड लीग नहीं विन कर सकते। तो दोस्तों आपको अब संपूर्ण जानकारी हम ज्योतिष आंकड़े के द्वारा प्रदान करने वाले हैं, आपको क्या करना है, किस प्रकार से दोस्तों आप लोग दोस्तों यहां पर ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं दोस्तों। तो आओ चलते हैं, देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप टीम बना करके चलेंगे और किस प्रकार से आपको रिस्क लेना है, और दोस्तों 100% आपको सफलता मिल जाएगी दोस्तों, 100% आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं है दोस्तों। तो यहां पर आपको बताते हैं